अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक हैं। और आप देख रहे होंगे मेरे साथ नजीब अल हसनैन है। आपने देखा होगा इनको, पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है उसमें ये अपना स्पोर्ट्स रूम के नाम से प्रोग्राम करते हैं। लोग बड़ा पसंद करते हैं इनको, होस्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। PSL में देखा होगा आपने, वर्ल्ड कप में इनको देखा होगा, फिर उसके बाद जो एशिया कप हुआ था उसमें आपने देखा होगा। इस तरह जितने भी क्रिकेट के इवेंट्स हैं वो ये उस चैनल के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होस्ट करते हैं। तो नजीब, मुझे ये बताएं कि 10 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट हुई और लोग देखना चाहते थे कि क्रिकेट हो, 5 दिन का मैच हो, बड़ा मज़ा आएगा देखने का, लेकिन जो वेन्यू सेलेक्ट किया गया रावलपिंडी का, वो तो इस काबिल ही नहीं था मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ वहाँ पे, ना ग्रास थी ना कुछ थी, इन्होंने उठा के टेस्ट मैच के लिए वो ग्राउंड रख दिया। लोगों को बड़ा गुस्सा है, मेरे ख्याल में आपको भी बड़ा अफसोस हुआ होगा। मुझे वेन्यू की कंडीशन तो एक सेकेंडरी टॉपिक है, मुझे तो पहले वेन्यू डिसाइड करने पे इस बात पे हैरत है कि पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं कि सारी डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी कराची में होती है इस सीजन में, क्योंकि आपको पता है कि वहां क्रिकेट पॉसिबल नहीं है। अगर बेस्ट केस सिनेरियो में भी देखे ना, जैसे अभी आपकी जो रीजनल क्रिकेट चल रही है, सारी टीमें कराची में ठहरी हुई है और वो सारी टीमें कराची में मैचेस हर ग्राउंड में चल रहे थे मैच, सही ना? तो अब आप मुझे बताइए, बेस्ट केस सिनेरियो में पंजाब में मैच होता है, सुबह 2 घंटे बैड लाइट या फॉग होगी, वो प्रॉब्लम रहेगी, दोपहर को 3-4 बजे अंधेरा हो जाएगा। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी होता था, तो आप कैसे वहां पे क्रिकेट अच्छा, उसमें देखे ये जो आपने एक जो बात की है ना, आप यकीन करो जब हम लोग भी फर्स्ट क्लास, मैंने 16-17 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, आप यकीन करो इन लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि वेदर कब खराब होगा, किस शहर में खराब होगा, किस शहर में क्रिकेट होनी चाहिए, किस शहर में। अब या तो इनको पता होता है जान के करते हैं, या इन लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग फर्स्ट क्रिकेट में शोर मचाते थे कि यार कराची में ये ऐसी जगह मैच हो जहां मैच हो जाए। तनवीर भाई, मैं ये बात नहीं मानता, ये वही थिंक टैंक है जो आपका डोमेस्टिक का पूरा कैलेंडर बना रहा है, जो बना रहा है कि यहाँ पे हाँ भाई वहाँ फॉग होगी, वहाँ बारिश भी हो सकती है, सर्दी भी ज्यादा है, तो कराची सूटेबल वेन्यू ऐसे ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, सिंपल ये था आप शुरुआत कराची से करते, फिर आगे देखते दूसरे वेन्यू पे, नहीं भी हो पाता तो 10 साल के बाद जो आपकी पहला मैच तो होना चाहिए था, वो पूरा हो जाता। पहला मैच तो पूरा होना चाहिए था। अभी आप देखिए 5 दिन में कराची में कोई बारिश हुई है, कोई ऐसा मौसम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, पूरा दिन मिलता, पूरी अच्छी क्रिकेट होती। और देखिए वैसे ही टेस्ट क्रिकेट की फॉलोइंग, वेदर वी लाइक इट और नॉट, हम जो बातें करते रहते हैं, सच्ची बात यह कि बहुत बुरी तरह से गिर रही है। अच्छा, और उसको बढ़ाने के लिए आपको उसको और पूरा पूरा मौका देना पड़ेगा, राधा देन कि आप 10 साल बाद आए और पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात होती है ग्राउंड भरना टेस्ट क्रिकेट बहुत में। बड़ी बात होती और है, पहले दिन इतना क्राउड आ गया, उनके अंदर एक स्पिरिट था, जोश था, वो तो सारे उनके अरमान ठंडे रह गए जब बारिश हो गई। अच्छा आप यकीन करें, जब बारिश हुई ना तो वो जितने भी लोग बैठे हुए थे वहां पे, वो आप यकीन करें वो उठ के चले गए वहां से ना, या अपने आप को वो संभाल रहे थे हम बैठेंगे किस तरीके से। यार टेस्ट क्रिकेट हो रही है 10 साल बाद, आपने ना लोगों का बैठने का कोई सिस्टम था, वही पत्थर के वो जो वो बने सीढ़ियां बनी होती है, थे लोग बारिश से, बारिश से बुरा हाल था, लोग पता नहीं कहां जाएंगे। अब आ जाइए आप ग्राउंड कंडीशन पे, ग्राउंड का इतना बुरा हाल था कि वो पानी ही निकाल पा रहे हैं यार, 20-20 वाइपरों से पानी निकल रहा है। अब आप ये सोचे 20-20 15-15 वाइपर्स लिए हुए, मतलब उससे पानी निकल रहा है। यार मुझे तो इतना अफसोस हुआ नजीब, मैंने टीवी पे मैच जब देखा, मैं पता क्या देखना चाह रहा था, आप यकीन करें टेस्ट क्रिकेट तो हुई स्टार्ट, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि लोग आए हैं या नहीं आए हैं मैच देखने, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट को इतना पसंद किया जाता है कि वो मैं देखना चाह रहा था ग्राउंड भरे नहीं भरे। लेकिन उनको तो छोड़ो, जब मैंने ग्राउंड की हालत देखी, क्योंकि मुझे पता थी कि मैं जब फर्स्ट क्लास खेली इस ग्राउंड की हालत क्या है, ग्रीनरी तो कहीं से नजर ही नहीं आ रही थी, पीला पीला तो पूरा ग्राउंड नजर आ रहा था, नहीं बहुत दुख हुआ। दूसरा ये कि वो जो फैंस आए थे उनका भी जोश टूट गया, अब वो उनको जो एक शौक था कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, टेस्ट क्रिकेट, और 10 साल बाद वो उसको देखना चाहते थे, चाहे आपने वो कर दिया। PCB का यहाँ एक एग्जाम बड़ा जबरदस्त था कि इन्होंने टिकट की प्राइस बहुत कम रखी, ये इनको इस बार अकल आई कि खाली मैदान से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट भरने के लिए आप पैसे तो उसके कम रखो ना, ताकि सब अफोर्ड कर सके। और सब वैसे ही देखिए दुनिया भर में क्या होता है, या तो आपका टेस्ट क्रिकेट की बहुत ज्यादा फॉलोइंग हो, उन मुल्कों को छोड़ देते हैं, अदर देन दैट क्या होता है कि आप अपने दफ्तर से निकले, आपने बीच में एक थोड़ा सा सेशन देख लिया, वापस आ गए, बच्चे स्कूल कॉलेज से निकले, थोड़ा सा उन्होंने देखा अपने स्टार्स को, वापस आ गए, तो इसलिए ये 50, 100, 200, 250 दैट्स इट। जब आप 1,000, 2,000, 500 की टिकटें रखेंगे, कोई वैसे ही पसंद नहीं करता तो वैसे कौन सा आएगा। अच्छा
ये एक और बात ये है कि T20 के मैचेस या वनडे मैचेस जब श्रीलंका के साथ हुए वो कजाफी स्टेडियम में हुआ, या आपकी जिम्बाब्वे की टीम भी आई थी या और दूसरी टीमें भी आई कजाफी में हुए या कराची में हुए, तो मतलब ये नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पिंडी में क्या किसी रीजन कोई रीजन था। मैं बताता हूँ, अब इन्होंने अपने एक दो वेन्यूज को और दुनिया के सामने सेफ शो करने यार, देखिए मेरी यार, बात अगर वेन्यू को वो करना था तैयार भी तो यार मुल्तान पे करा देते मैच, इससे अच्छा वो तैयार भी नहीं। अब आपके पास ये भी तो नहीं ऑप्शन होता ना, अभी आपकी ये सीरीज आई है, आपने उनको इस पिंडी का सेटअप बताया सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, उनको कन्विंस किया। देखिए पीसीबी ये चाह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वेन्यू खुलते जाए, मुल्तान खुल चुका है, पीएसएल के मैचेस होंगे, कराची है, लाहौर है और पिंडी है, सही है। अब ये ग्राउंड्स तो हो गए, अब आहिस्ता आहिस्ता वो और ग्राउंड्स खोलना चाहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, वो करें बट सीजन देख के तो करें और उसकी हालत तो पहले बेहतर करें। और क्या, जब आप मैच के लिए रेडी नहीं है, आप वहाँ मैच करा रहे हैं तो उसका कोई फायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा, जाहिर सी बात है। अब आप हम ये भी सुने कि जितने भी वहाँ जो कमेंटेटर्स वगैरह आए हुए थे बाहर से, जिसमें डैनी मॉरिसन भी थे, रसल आर्नल्ड भी थे, मतलब वो लोग भी ये चीजें देख के तो सोच रहे होंगे ना यार, अगर इतने अरसे बाद क्रिकेट स्टार्ट हुई है और पीसीबी ने क्या इकदामात किए हैं, कुछ भी नहीं किए, ना लोगों के लिए फैसिलिटीज हैं कोई, ना प्लेयर्स। अब पहला मैच तो आपका बिल्कुल बारिश की नजर हो गया, ना लड़कों की परफॉर्मेंसेज नजर आई, ना कुछ नजर आई, फवाद आलम को इन्होंने मैच खिलाया नहीं। अब फवाद आलम को ये मैच नहीं खिलाया, अब 100% यही सेम टीम खेलेगी, तो इसका मतलब फवाद आलम अपने शहर में तो नहीं खेल सकता फिर। अगर पहले मैच में कोई ऐसा लड़का होता जो परफॉर्म ना करता तो शायद उसको चांस मिल जाता। मुझे बड़ा दुख है, और अगर ऐसा हुआ जो आप कह रहे हैं कराची में, मुझे कराची नहीं में फवाद नहीं खेला, तो फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में मजीद डाउनफॉल आएगा। ये क्यों, बहुत दुख की बात है। अच्छा, आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो कह चुका हूँ पहले, नहीं नहीं वो तो आ ही रहा है, मैं कह रहा हूँ मजीद, मजीद का वर्ड मैंने इसलिए लगाया कि इससे आपको मिसबा की रिजिडनेस का पता चलेगा कि मैं अड़ गया हूँ इस बात के, ये लड़का जितने भी रन बना ले, जितना भी परफॉर्म कर ले, मुझे इसको नहीं खिलाना जो कोई कर सकता है। मैं तो पहले नजीब कह चुका हूँ, मैं तो पहले से कह चुका हूँ कि मिसबा जब तक आया है, जब से मिसबा आया है आप देखना प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी, सही है। अब आप ये देखें कि वो, मुझे नहीं लगता वो अपनी मर्जी से या दिल से लेके आया फवाद आलम को, वो तो मीडिया के प्रेशर से लाया, वो तो अगर वो इतना दिल से लाता ना, 100% पिंडी का मैच खेल लो। मेरा एक सवाल है, अगर आप मीडिया के प्रेशर से भी लाए चलो तो ना खिला के क्या मीडिया चुप रहेगा? क्या हम लोग चुप रहेंगे? क्या हम अपने प्रोग्राम्स में या आप अपनी वीडियोस में ये बातें नहीं करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर मीडिया के प्रेशर पे कुछ लोग तो चुप हो ही जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि सिर्फ आपने टीम के अंदर एक नाम डालने के लिए हमें नहीं चाहिए फवाद, हमें फवाद को पूरा प्रॉपर मौका देना है। और अगर मुझे एक बात बताइए, वो खुदा ना खास्ता क्रिकेट है ना, अगर वो कराची के टेस्ट में फेल हो जाता है तो क्या उसका करियर खत्म? अब उसको कभी मौका नहीं मिलेगा यार, 12,000 से ऊपर रन एक बंदे ने बना दिया, जो बंदा उसको आप एक टेस्ट मैच में। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने कल ही अपनी वीडियो चैनल पे ना, मैंने जो मेरा यूट्यूब का चैनल, मैंने इस पे ना लव शैने की एक थोड़ी सी बात की, जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर अभी रन कर रहा है, क्या जबरदस्त, फर्स्ट क्लास के अंदर उसके कोई मेरा ख्याल है 1100 हैं या 25 या 30-50 हैं उसके ना, और 5-6 हजार रन हैं उसके। अब उसकी फॉर्म देखिए, वो उन्होंने 3-4 साल उस लड़के को देखा फॉर्म में, उन्होंने उसकी फॉर्म को यूटिलाइज की, टीम के अंदर लेके आया। अब 12 मैचेस में तीसरा 100 अभी किया, जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा है, और तकरीबन उसकी 60 की एवरेज है। अब आप देखिए कि 5-6 हजार रन किए हुए लड़के को वो यूटिलाइज कर रहे हैं, हम 12,000 रन किए हुए लड़के को हम यूज नहीं कर रहे। बिल्कुल, बड़ी बड़ी नाइंसाफी है। और दूसरा ये कि लबिशेन की बात करें तो लबिशेन, आपको ये मालूम है कि तीसरे मैच में 150 नहीं कर पाया, वो 150 प्लस 143 पे आउट हो गया। तो वो तीसरा ऐसा प्लेयर बन जाता दुनिया का जिसके तीन लगातार 150 होते। क्या आपको पता है पहला और दूसरा कौन है? नहीं। जहीर अब्बास और मुदस्सिर नजर। नहीं यार, तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान का क्या लेवल था उस जमाने में। ये मेरा आपसे सवाल है, हम जिस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई देयर इज दिस मच डिप इन आर रेड बॉल क्रिकेट, हमारी टेस्ट क्रिकेट की। एक अगर मैं आपसे सिंगल वजह पूछूं कि वो इतनी बुरी तरह नीचे क्यों गिरी, उसकी सिंपल सी चीज है यार, सिंपल सी चीज ये है क्योंकि अब हमारी जो सिलेक्शन है आपके सामने वो पीएसएल से हो रही है, पीएसएल T20 क्रिकेट है। मैं अगर दूसरी कंट्री की आपको मिसालें दूं, आप देख सकते हैं, मैं लबुशाने आपके सामने है, ठीक है, उसके बाद अग्रवाल आपके सामने है, उसके बाद पुजारा आपके सामने है, ठीक है, उसके बाद आई थिंक अय्यर एक लड़का है इंडिया का, वो आपके सामने। मैंने एग्जांपल इस वजह से इन 3-4 लड़कों की दी है यार, ये प्रॉपर एक फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर हैं,
फोर डे क्रिकेट, यानी वही बैक टू हमारी वही वाली बात, डोमेस्टिक को इज्जत दोगे तो टीम को यार, आप देखें आबिद अली आपका बाहर बैठा हुआ, आबिद अली को टेस्ट मैच पिंडी वाला खिलाया, आप जब तक फर्स्ट क्लास फोर डे क्रिकेट के बॉलर्स, फोर डे क्रिकेट के बैट्समैन जब तक आप नहीं लाएंगे पाकिस्तान टीम के अंदर, आपका जो लेवल है रेड बॉल का वो नीचे जाता रहेगा, आपकी जो रैंकिंग है वो नीचे चली जाती जाएगी। पीएसएल को अकेले ब्लेम देना ठीक नहीं है ना, ब्लेम मेरा ख्याल है हम पीएसएल को ब्लेम नहीं दे रहे, सिलेक्शन वही बात कर रहे हैं, जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मेरा सवाल तो ये कि आखिरी बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम तो यूनुस खान है, बस उसका तो 2000 का डेब्यू है, बस आपके पास उसके बाद कौन प्लेयर आया? नहीं नहीं, अब जाके बाबर आजम आया। देखें मैं अजहर अली आसिफ शफीक इसलिए नहीं कहूंगा कि वो जब तक सपोर्टिंग रोल में थे बड़े शानदार थे, जब उनपे जिम्मेदारी आ रही है तो वो भी फंस रहे हैं। अच्छा आप ये देखें, यूनुस खान और अजहर अली के बाद जो आपने बात की, आपके पास कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं आया, बाबर आजम भी आपने नाम लिए क्यों आया? अभी की बात है, अभी की बात तो है, लेकिन फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर है वो, काफी अरसा उसने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दी है। आबिद अली आपका टीम के अंदर आया, ये फर्स्ट क्लास का परफॉर्म, 5-6-7 हज़ार रन है उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, बात सिंपल सी है। उसके अलावा आप देख लें फखर जमान को, आप देख लें शादाब खान को, आप देख लें हसन अली को, आप देख लें ठीक है, उसके बाद फई मशरफ को आप देख लें ठीक है, उसके बाद आपने बेताशा पीएसएल की सिलेक्शन उठा के आपने पाकिस्तान टीम में खिला दी। नजीब देखें इनका उल्टा हिसाब है, सही तरीके का यह है कि आपने फर्स्ट क्लास का प्लेयर टेस्ट क्रिकेट के अंदर डाला, टेस्ट क्रिकेट के अंदर उसने जगह बनाई अपनी, उसके बाद आप उसको खिलाते हैं वनडे क्रिकेट के अंदर, वनडे में परफॉर्म करता, उसके बाद आप खिलाते हैं T20 क्रिकेट, स्ट्राइक रेट अच्छा है तो T20 खेल, आप उल्टा हिसाब है हमारे सिलेक्टर्स का ठीक है, हम T20 से लेके उठा के हम टेस्ट मैच में लड़का खिला देते, ये नहीं है। इसमें सिलेक्टर्स भी है, फिर हमारे कोचेस का भी प्रॉब्लम। अच्छा सब कुछ छोड़े, मुझे बताइए, अच्छा सब कुछ छोड़े, मिसबाह उल्लाह की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में अच्छी है, यूनुस खान की अच्छी है, अजहर अली की अच्छी है, बिल्कुल असर, ये चारों के चारों टेस्ट मैच के प्रॉपर प्लेयर थे, बिल्कुल थे, आप जब ये खेल रहे थे आप टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस देख लें, आप आपकी टीम नंबर वन पे गई या नहीं गई, ये है सिस्टम, ये है सिस्टम। हम जब उस फॉर्मेट के लड़के वहां लाएंगे, एडजस्ट करेंगे, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, रैंकिंग भी देख लेना। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे पास फोर डे क्रिकेट के परफॉर्मर जो है वो टीम के अंदर नहीं। बस अल्लाह करे, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ये मैनेजमेंट को, खुसूसन मिसबाह और वकार को थोड़ी सी जरा अकल दे, देखिए अकल फैसले करने की तौफीक दे, और मेरे ख्याल में इनको लाने वाले जो लोग हैं उनको उनको अकल होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्योंकि बात ये है कि मैं तो 50 दफा गलतियां करूंगा, मैं 50 दफा अप्लाई करूंगा, मुझे ले लेंगे, तो इसका मतलब मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरी तो मर्जी की चीजें मिल रही हैं मुझे। उसके बाद मिसबाह उल्लाह जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कोचिंग का कुछ भी नहीं है, तो जब आप इन जैसे लोगों को लाओगे तो फिर आप लाने वालों की गलती है, ऐसी बात है, फिर ये सियासी हो जाएगा प्रोग्राम। नहीं नहीं ठीक है सही है। अच्छा देखे दी नजीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और आपको ये बताता चलूं इंशाल्लाह ताला नजीब जो है वो मेरे साथ प्रोग्राम में आपको नजर आते रहेंगे इंशाल्लाह, फिर आप ये जो टेस्ट मैच खत्म होगा, जो दूसरा टेस्ट मैच है या पिंडी का भी है, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी नजीबुल हसनैन के साथ। देखिये बात कहने का मकसद ये है कि जो जो हालात हुए पिंडी स्टेडियम के, जो मैच ही नहीं हुआ वहां पे, मेरे ख्याल में मेरे अलावा मैं हो गया, नजीब हो गया, या पूरा पाकिस्तान, उनको बहुत ज्यादा अफसोस है, और सब ज्यादा अफसोस उन लोगों का जो बेचारे वहां पे ग्राउंड में आए हुए थे और मैच नहीं हुआ, बारिश की नजर मैच हुआ, पता नहीं पीसीबी सारी जिंदगी यही गलतियां करता रहेगा, कब सीखेगा ये अल्लाह ताला को पता है कि कब वो अपनी गलतियों से सीखेंगे। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।